हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग तो आप सबके बहुत टाइम से ना कमेंट्स आ रहे थे कि दी हॉस्पिटल बैग पैक करो और हमें दिखाओ कि आपने क्या क्या पैक किया है और बहुत सारी चीज़ें तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे यहाँ बेबी होने से पहले शॉपिंग नहीं करते हैं। तो हमने बेबी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं ख़रीदा है हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो मेरे जो जो मेरे हस्बैंड हैं उनके ब्रदर के बेबी था उसके कुछ चीज़ें हैं कुछ उन्होंने हमें बाय करके दी हैं और कुछ चीज़ें मेरे पास जो मेरी भाभी का बेटा है किशु बेबी उसके क्लोथ्स और बहुत सारी चीज़ें घर में थी तो हम वही सारी चीज़ें लेकर आए हैं यहाँ पे बेबी होने के सिक्स डेज़ के बाद हम बाकी की चीज़ें खरीदेंगे जो भी हमें नीड होगी अब आप बोलोगे डाइपर और ये सारी चीज़ें तो डायपर यार देखो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बेबी हो जाएगा जाके खरीद के ले आएंगे बहुत सारी चीज़ें हैं और दूसरी चीज़ ये कि कुछ कुछ चीज़ें हमें हमारे लिए सॉरी वॉइस में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है उसके लिए बट कुछ चीज़ें मेरी नीड की भी होंगी तो मैं आपको वो चीज़ें दिखा देती हूँ और बेबी के लिए मैंने क्या क्या रखा है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ इस वाले ब्लॉग में अभी मैंने बैग में कुछ नहीं डाला है बट आज डालूंगी और ये वाला सेक्शन मैंने खाली किया था बेबी के क्लोथ्स के लिए जो कि मुझे लग रहा है कि अभी तो वो आया भी नहीं है या आई भी नहीं है और ये ऑलमोस्ट फुल हो चुका है तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से ब्लैंकेट्स हैं एक ये कॉटन का है जो कि कहते हैं कि जब बेबी होता है ना तो उसको मतलब कॉटन की और सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ों में रखना चाहिए तो ये उसके लिए है तो ये एक मैं इस टाइप का कुछ रखने वाली हूँ अब देखो मैटर करता है हम कितना भी पहले से कोशिश कर लें कि नॉर्मल डिलीवरी हो या कुछ भी हो बट एट द टाइम क्या होना है तो हमें नहीं पता होता है तो हमें जो क्लोथ होते हैं या ब्लैंकेट्स होते हैं ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना वो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा लेके जाना चाहिए हॉस्पिटल में उसके बाद एक ये रखा है मैंने कॉटन का और एक ये थोड़ा सा वुलन टाइप में है वो रखा है और दोनों में से कोई भी न्यू नहीं है और ये बेबी की बुआ ने दिया था तो मोस्टली अगर वो बेबी गर्ल होती है तो हम उसको इसके अंदर ही रखने वाले हैं डे वन में तो ये सब कुछ मैंने ना वॉश वॉश करवा दिया है ये न्यू ही है क्योंकि मैं नहीं ख़रीद सकती बट हाँ मतलब सामने वाला इंसान मुझे ख़रीद के दे सकता है बट देना नहीं चाहिए ये वाली बात भी होती है बट उन्हें भी पता था कि मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है वहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिलेगा इस वजह से कुछ कुछ चीज़ें मुझे ख़रीद के दी गई जिसमें से एक ये था और उसके बाद जो कीशु बेबी है जिसके आप बहुत सारे ब्लॉग्स मेरे पास देखते हो वो बॉय है बट ये मैंने उसे गिफ्ट किया था बेबी जब वो हुआ था तो गिफ्ट क्या किया था मतलब मैं उसके लिए लेकर आई थी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ऐसे बच्चों को जिसमें रखते हैं और ये पिंक कलर का है बट वो बॉय था बट मुझे ये कलर बहुत पसंद है पिंक कलर तो इसलिए मैंने ले लिया था आप बोलोगे इतना सारा पिंक पिंक है पता नहीं क्यों बट बहुत सारी चीज़ें मेरे पास पिंक ही आ रखी है उसके बाद ये सारे क्लोथ्स जो हैं ये भी किशु बेबी के ही हैं पैंट्स हैं और ये छोटी छोटी सी जो कैप्स हैं तो पता नहीं मुझे कि बेबी कित मतलब किस उसको ये बॉर्न होने पे तुरंत आएंगे नहीं आएंगे बट मेरे बस बहुत स्मॉल स्मॉल वाले जो क्लोथ्स हैं मैं आपको दिखाती हूँ अभी मैं वो लेकर जाऊँगी ये मैटर करता है बाद में उसे पहना देंगे बट और ये सब रखेंगे उसके गले में बनाने के लिए कहते हैं कि जब बच्चा दूध पीता है फीड करता है तो साइड साइड से ना बहुत मतलब वो दूध निकालता रहता है तो ये कॉटन्स के और सारे यूज़ वाले कुछ भी न्यू नहीं है ये और मेरी एक यहाँ पे फ्रेंड है उसने भी अपनी मतलब उसकी उसके भाई की जो बेटी है उसके क्लोथ भी उसने मुझे दिए हैं तो ले देखे ना क्लोथ तो अभी फिलहाल के लिए छः सात दिन तो मुझे बिल्कुल नहीं टेंशन है इवन ज्यादा दिन तक मुझे टेंशन नहीं है कपड़े अच्छे खासे हैं मेरे पास और उसके बाद जैसे भी, भी हो जाएगा उधर घर वाले शॉपिंग करना शुरू कर देंगे उसके हमारे पास कपड़े ही कपड़े आ जाएंगे यहाँ पे ये छोटे छोटे से सॉक्स तो ये सब भी बैग में जाएंगे और ये सारे की शुभे भी किए हैं और मुझे मतलब मैं उसको मतलब ऐसा होता है ना कि उसको इतना प्यार किया है मैंने अपने साथ रखा है ना मुझे उसकी चीज़ें अगर मैं अपने बच्चे को बनाऊँगी तो मुझे पता नहीं एक अलग ही फीलिंग आने वाली है मैं सच बता रही हूँ और ये कुछ कॉटन्स के डाइपर थे जो मैं इंडिया से लेकर आई थी मेरी मम्मा ने ख़रीद के दिया था क्योंकि ये रीयूजेबल हैं तो मुझे ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन सारी चीज़ों से प्लस मैंने यहाँ पे मतलब यहाँ पे मोस्टली वो चीज़ें जो हमारे मतलब प्रेगनेंसी में मेरे को यूज़ करनी है लाइक like, कहते हैं कि सॉक्स वॉक्स पहनना चाहिए डिलीवरी होने के बाद बॉडी बहुत वीक होती है ठंड की वजह से और यहाँ का वेदर भी जो है ना वो थोड़ा सा ऐसा ही है कोल्ड कोल्ड वाला ही है तो उसके लिए तो ये सारी चीज़ें मेरे बैग्स में जाने वाली हैं जल्दी ही इवन मैं आज शाम में पैक कर भी लूँगी अभी मैं नहीं डाल रही हूँ और तो सबसे छोटे क्लोथ में ये हैं See? बहुत छोटे छोटे थे बट यार कुछ भी कहो लड़कियों के कपड़ों की ना तो बात ही अलग होती है इतने क्यूट होते हैं यार लड़कियों के कपड़े और ये उसकी बुआ जी ने दिया हुआ है ये उसको मुझे लगता है कि ना आराम से आएगा नहीं शायद थोड़ा बड़ा है बट इस पर जीरो टू तो सिक्स मंथ ही लिखा है बट पता नहीं और ये कॉटन के ही हैं और ये सारे कपड़े ना हमारे हमने क्या किया था जब ये आए थे ना तो हमने किशू बेबी को ऐसे लगा लगा के ना मतलब उसकी बॉडी में लगा दिया कि अब ये पुराने हो गए हैं ऐसे करके और अगर ये कपड़े नहीं भी आएंगे बट ये जो कैप वैप है ना या फिर जो ये हाथ में डालते हैं बच्चों के ये बहुत आसानी से उसको आएंगे जब वो होगा या होगी तो हम इसे तो बहुत जल्दी ही यूज़ करने वाले हैं प्लस ये कैप्स ये बहुत यूज़फुल्स होते हैं तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं अभी पाँच छः तो मेरे पास है ही है कॉटन के ज़्यादा ही हैं इवन तो मुझे लगता है ना बहुत आसानी होने वाली है इन सब चीज़ों में जल्दी जल्दी वॉश वॉश करके और हम चेंज भी कर सकते हैं ये तो ये सब चीज़ें हमें आराम से आ जाएंगी कुछ क्लोथ्स आपको और दिखाती हूँ मैं यार ये बड़े ये ना देखने में इतने बड़े बड़े लगते हैं पता नहीं ये बेबी को आएंगे नहीं आएंगे मुझे तो समझ में ही नहीं आता लिखा इस पे जीरो टू नाइन मंथ हो सिक्स मंथ होता है बट मुझे ऐसा लगता है नहीं बेबी इतना बड़ा नहीं होता है और हाँ किशु बेबी के लिए भी हमने ये ज़ीरो टू सिक्स मंथ में लिया था जब वो हुआ था तो बट उसको आया ये दो महीने के बाद था और ये कैब दी थी किशु बेबी की नानी ने जो कि अब मेरे बच्चे पहनेंगे क्योंकि किशो बेबी ने इसको अच्छे से यूज़ कर लिया है उसके बाद ये है बहुत सारे कुछ क्लोथ्स जिसमें बॉय के गर्ल्स के दोनों के हैं कितना क्यूट लग रहा है ना काश वो बेबी गर्ल होगी तो कितनी क्यूट लगेगी वैसे बेबी बॉय भी होगा तो क्यूट लगेगा और ये सारे जो क्लोथ्स हैं ना ये मेरी फ्रेंड ने दिए थे कुछ मेरे घर वालों ने बाय किए बट ये बहुत अच्छे हैं स्पेशली ये पिंक पिंक वाले जो हमने ये ख़रीदे हैं रे। बट ये सारे ना मतलब मैंने सारे किशु बेबी को एक बार पहना के सबको आराम से वॉश करके फिर रखा है कि एट द टाइम पता नहीं यार कब पेन हो जाए कब ना हो मुझे लगता है ना ये भी बहुत आसानी से आ जाएगा कभी कभी कुछ कुछ कलर्स तो ऐसे हैं ना समझ में नहीं आता है। ये लड़कों का या लड़कियों का है बट यार जो भी ये पता है आपको जो लड़कियों के कपड़े भी है ना मेरा लड़का भी अगर होता है तो मैं उसको भी ये पहना दूंगी क्योंकि इतने कपड़ों के ऑप्शन नहीं है और यहाँ बहुत महंगे अच्छे कपड़े अगर लेने जाओ तो ये देखो सारे पहना दूंगी मैं सच बता रही हूँ और बचपन में क्या ही फ़र्क पहनता है लड़का हो रहा है लड़की हो रही है सब पहना दो लड़की होगी तो उसको लड़के के ही पहना दूंगी यार प्लीज़ कपड़े जज देख के नहीं मत बोला कि लड़की होने वाला है या कुछ भी है क्योंकि अभी मैं आपको लड़कों के कपड़े भी दिखाने वाली हूँ हमने लड़कों के कपड़े भी ले रखे हैं आपको ये कमेंट मत करना आपके पास लड़कियों के कपड़े हैं मैंने आपको रीजन बता दिया इवन किशु बेबी के टाइम पे भी मैं पिंक पिंक कलर के कपड़े लेकर आ गई थी मुझे छोटे बच्चों की कैप्स बहुत पसंद आती है सच में वो छोटे छोटे से ग्लव्स वगैरह ये सब देखो तो ये सारे कपड़े मैं आराम से रख लूंगी कि उसको जल्दी आ जाएंगे ये सारे कपड़े इजिली आएंगे मुझे लगता है ना बहुत आराम से और फिर ये फीडिंग के लिए क्या जरूरत है ना खरीदने की जब पुराने कपड़े इतने सारे बड़े हैं तो सब और ऊपर से बेबी इतनी जल्दी 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 बड़ा होता है ना कि यूज में भी नहीं आते यार कपड़े तो ये तो हो गए कपड़े उसके बाद मैं आपको बताती हूँ ये एक स्काफ रखने वाली हूँ मैं फीड वीड कराने के टाइम पे ढकने के लिए दूसरा ये अपने कान ढकने के लिए और कुछ कैप उसके बाद ये पैंटीज मैंने इसके अंदर फिल करके रख ली अच्छे से खूब सारी कि अगर अगर बाई चांस सीएस हो गया ना तो तो बहुत ज़्यादा नीड होने वाली है इन सारी चीज़ों की और मैंने कोई डिस्पोजेबल पैंटी वग़ैरह नहीं रखी है बात रही कपड़ों की तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े मेरे रखे हुए हैं और मैं इसको यूज़ करती हूँ यही लेके जा रही हूँ कि स्पेशल मैंने नहीं लिया है इनमें से कोई एक अच्छा सा रख लूँगी सिलेक्ट करके साइड में जो हॉस्पिटल जाके मुझे पहनना होगा डाइपर जैसे बेबी का होगा या कुछ भी होगा मेड रहेगी है एनी टाइम मेरे साथ वो जाके ख़रीद के, के लेकर आ जाएगी या फिर हस्बैंड ले आएंगे कुछ भी हो सकता है बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे इंडियंस भी जो हमारी हेल्प करने के लिए रहेंगे हमारे साथ हम अकेले नहीं हैं दूसरी चीज़ आपको एक और चीज़ ये मेरी फ्रेंड ने कीशू बेबी को गिफ्ट किया था और कीशू बेबी ने ना इसे इस्तेमाल नहीं किया तो मैं इसे यहाँ लेकर आ गई कि मेरा बेबी यूज़ कर लेगा इसको आराम से मेरा जो व्लॉग है ना ये हॉस्पिटल बैग से रिलेटेड ये बहुत डिफरेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि हमने ये खरीदा हमने वो खरीदा भाई हमने तो कुछ नहीं ख़रीदा हाँ शैम्पू ये सारी चीज़ें जितनी भी होती है ना जॉन्सन बेबी की मैं भी लेकर आई हूँ और सब में से थोड़ा 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 किशू बेबी ने यूज़ किया हुआ है क्योंकि ये एक तरीके से इस तरीके से कि हाँ ये यूज़ वाली चीज़ें हैं हमने अपने बेबी के लिए नहीं ख़रीदा ये सारे रीज़न्स थे तो आप सबको ये ब्लॉग कैसा लगा बहुत नॉर्मल था आई नो दैट बट सब कुछ सच था कोई फेक नहीं था कुछ ऐसा नहीं कि नहीं हमने ये शॉप किया वो शॉपिंग करी तो अभी हमने कुछ भी नहीं किया है और अगर हम इन फ्यूचर करेंगे बेबी होने के बाद तो आप सबके साथ वो भी हम ज़रूर शेयर करेंगे